भाई वो कहाँ रह गया है रायत? वो रायत की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि रास्ते में ही बस पहुँचने वाला है। हो सकता है कि किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। अच्छा नहीं लग रहा ना, सब लोग खड़े हैं, हम अंदर चलते हैं। रायत देखो क्या कह रहा हूँ। हेलो रायत, कहाँ रह गए हो बेटा? अच्छा अच्छा ओके ओके, आ गया बाहर है। आ गया? हाँ, वो अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग खड़े में, हम चलते हैं। चलो बेटा आए, चले चल। पारा जी, तुम्हारी मेमोरी वीक है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? फिर तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि मैंने घर पे तुमसे क्या कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरे साथ साथ रहना। हाँ अब चलो मेरे साथ, चल। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें अब हाजरा को ले चलें स्टेज पर, इतनी देर से मेरा बेटा अकेला बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। बड़ा जुल्म किया है वैसे आप। सुहेल का फोन आया था कि निकाह से पहले दुल्हन को स्टेज पे मत लाइएगा। भाई ये भी वैसे खूब रसम है, मेहंदी की रसम में तो साथ बिठा के रसम कर दी और यहाँ साथ बिठाने के लिए निकाह की शर्त रख दी। एक सेकंड, हमारी पिक्चर्स बाद में खींच लीजिएगा, अभी वो ब्राइड आ रही हैं, उनकी पिक्चर्स खींच रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। सुनो, इधर आओ। क्या, कहाँ जा रही हो? भाभी आ गई ना? हाँ तो ठीक है, वो आ तो गई हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। अरे वो दुल्हन है, वो मुझे कैसे बुलाएंगी? तो क्या तुम किसी से कम हो? मेरा भी ये... क्या देखो, तुम अभी उन्हें लेने आई हो, इस वक्त तुम उनकी ससुराल वाली हो,
इस वक्त तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा मुड़ो, चलो शाबाश। ये कौन सा शर्ट पहना? एक मिनट, मापारा जी। सोहेल भैया, ये कौन सी ज्वेलरी पहनी है? बारात वाला सेट लेकर आओ। जी? मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये इस सेट में पसंद नहीं, इन्हें भी छोड़ दूं? मां पारा, जॉब सेट लेकर आओ। जी। चलो आ बेटा, चेंज करते। अरे डैड, मॉम आइए ना, पिक्चर बनाओ प्लीज। माँ परा आ जाओ। अरे राइड आओ ना ऊपर। अगर ये सेट सोहेल को इतना ही पसंद था तो पहले बता देता, सारे दुपट्टे की सेटिंग खराब करा दी उस जाहिल लड़की से। हाँ तो कल जब मैंने ये बात की थी तो आप लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा था। कल जो तुमने कहा था वो बहतान था, और आज जो हुआ है ना वो शौहर की अपनी बीवी के लिए पसंद थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उसका कहीं रिश्ता देख कर ना उसे ठिकाने लगाती हूँ। सारा दिन बर्तन और झाड़ू करती रहेगी ना तो घर आना ही भूल जाएगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी मॉम? जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूं? मैंने आपसे कहा ना, आप उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगी। करूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। चलो अब देर हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, उठो। मेरी बेटी का आप बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। जी जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो, आपकी बेटी हमारी बेटी भी है और हमारी बहू भी, हम इसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, बस आप हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा है आप पर, लेकिन बेटी की माँ हूँ ना। भरोसा किया है तो फिर अब रुखसती की इजाजत दीजिए। बेटा मैंने चादर मंगवाई है, खुद को जरा अच्छे से ढांप लेना। आंटी ये ना हो कि मैं खुद को ढांप लूं और ये सेट छुप जाए और सोहेल मुझे साथ लेकर ही ना जाए। बेटा
तुमने तो सुहेल की बात को दिल पर ही ले लिया। सुहेल जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए उसने कह दिया। एक्चुअली ये सेट उसने अपनी पसंद से खरीदा था और उसने शायद तुम्हें इसी तरह सोचा था, इसीलिए। इजाजत है। पारा कहाँ रह गई? कब से तो भाभी के आने की तैयारियों में सारी दुनिया को लगाया हुआ था और अब भाभी आ गई है तो खुद गायब। मॉम ये प्लीज वहां रख दे, आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उसका। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ वैसे हाजरा ठीक कह रही है, वाकई थक गई होगी। चलो आओ। फूलों की बारिश से तुम अपने गले का वो फंदा ढीला नहीं कर सकती माँ पारा, जो तुमने मेरे गले में ये नेकलेस डालकर तैयार किया है। बहुत नाज है ना तुम्हें इस घर और घर वालों की मोहब्बत पर। तुम्हारी इसी चौखट पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम भी हाजरा नहीं। ये भाई माँ पारा, ये थी इनकी सारी तैयारियां आपके लिए। माँ पारा ने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था इस वक्त के लिए, आपके आने की प्लानिंग कर रही थी और ये तो इस्तकबाल में दिए जलाना चाह रही थी। अच्छा हुआ नहीं जलाए, वरना आज इन्हीं दियों की आग ने इसे झोंक देती। माँ पारा तो जो भी करें वो काम है। माँ पारा अब तुम्हारी भाभी आ गई है, तुम जानो और ये जाने, मैं जरा घर के दूसरे काम देख लूं। बैठाओ उसे। आप क्या समझते हैं सुहेल भैया, मैं इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दूंगी? कौन सा हक है तुम्हारा? अच्छा जी, इतनी जल्दी हक भी भूल गए? शाम को तो कह रहे थे कि आप पर मेरा पूरा हक है। कौन सा हक चाहिए तुम्हें माँ पारा, मुझे बताओ। ये हुई ना बात, देखा सुहेल भैया, भाभी कितने बड़े दिल की हैं। बड़े दिल का तो नहीं पता, लेकिन मैं हक छीनने और छोड़ने की कायल नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो मसला ही हल हो गया। लेकिन नहीं, मैं अपना हक सिर्फ और सिर्फ सुहेल भैया से लूंगी। लाए निकाले मेरी नेक जल्दी। भाई ये ऐसे नहीं छोड़ेगी। ये क्या सुहेल भैया, इसमें तो मेरी जूती भी नहीं आएगी। पूरे 10,000 रुपए निकाले। अरे भाई अभी इतने ही है मेरे पास, बाकी राहत के पास है। एक मिनट, राहत को बुलाता हूँ। राइट सुहेल, मेरा वो एनवेलप दे। पूरे 25,000। 25,000? अरे इतने सारे पैसे से क्यों दे दिए, अभी उड़ा देगी ये। उड़ाने थे, इसने मेहनत भी तो इतनी की है। क्यों? बिल्कुल, इसे क्या जरूरत है देने की? कैसे जरूरत नहीं है, और आप मेरे और इसके बीच में मत बोले। चलो ठीक है भाई, अपने मामला आप लोग तय करें, मैं जरा। क्यों माँ पारा, कम है क्या पैसे? नहीं भाभी काफी हैं। इतने सारे सर्वेंट है घर में, तुम 5,000 रुपए रख लेना और बाकी सबको 2,000 रुपए दे देना।
ठीक है अब तुम सब जाओ। मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये सेट में पसंद नहीं, इन्हें भी छोड़ दो। हाँ जमाल, वो तुमने क्लिफ्टन वाला बैंगलो शौकत साहब के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया है ना? अरे अगर किया होता तो मेरे पास रिकॉर्ड में आता ना। हाँ अरे भाई, अगले महीने उनकी बेटी पाकिस्तान वापस आ रही है ना, जिसके लिए वो बैंगलो खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है वो आते ही शिफ्ट होंगी ना। अरे भाई फजूल बातें मत करो, शादी हुई है तो क्या काम छोड़ दूं? बीवी कौन सी भागी जा रही है। चलो ओके, करवा देना ये काम। बाय। कुछ है क्या? ये लैशेस जो हैं ये फेक है ना, उतार दो इन्हें। एक चीज है बहुत चीप लगती है, और ये लेंसेस भी ना, ये भी उतार देना। ये पार्लर वाले पता नहीं अच्छी खासी लड़की को हूर परी बनाने के चक्कर में ठीक से इंसान भी नहीं रहने देते, अजीब ही मखलूक बना देते हैं, है ना? बहुत जुल्म किया तुमने खुद पर, मैंने देखा तो तुम्हें पहली बार। इतनी शफाफ थी तुम्हारी आंखें, आइंदा इन्हें इन लेंजेस के पीछे मत छुपाना। लेकिन मुझे पसंद है सुहेल। लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो फिर पहनकर किसे दिखाओगी? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये कि मुझे सादगी पसंद है, और ये 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 सब उतारो, आता हूं वापस, ठीक है? काम करो, ये सारी बात सुहेल भाई को बता दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि नेकलेस की वजह से सुहेल भैया ने स्टेज पर जो कुछ भी उनके साथ किया है उसका सारा गुस्सा भाभी तुम पर निकाल रही हैं। दफा करो ना, मैं खुद भाभी को बता दूंगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देख लो, मैं तो कहूंगी तुम अभी शैलांटी को सब कुछ बता दो। बस करो ना, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। और हो सकता है भाभी का ऐसा कोई इरादा ना हो, मुझे ये गलत फहमी हुई हो। देख लो, तुम्हारी बातों से तो मुझे हाजरा भाभी बहुत डेंजरस लग रही हैं। संभल कर है ना, ऐसा ना हो आगे जाकर तुमको फंसा दे। क्यों, भाभी क्या कोई जिन भूत है जो तुम्हें डेंजरस लग रही है? जिन भूत तो नहीं, लेकिन बला जरूर लग रही है। ऐसे तो मत बोलो, वो मेरी भाभी है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उन्हें इस तरह के नामों से पुकारे। अच्छा जी, तो ये अपनी भाभी समझ के कहा ही अपने हीरो की? जो भी समझो, बात तो एक ही है ना। वाह भाई, इनके एंग्री यंग मैन ने इनसे एक बार सॉरी क्या कह दिया, ये तो हवा में ही उड़ रही है। क्या पता सिर्फ सॉरी ना कहा
और भी बहुत कुछ है। रियली? कहीं इजहारे मोहब्बत तो नहीं कर दिया? हाँ हाँ हाँ। प्लीज बताओ ना, आई लव यू कहा या सीधा शादी पर आ गए? वो अपने मुंह से कहाँ बोलते हैं, अनापरस जो है। फिर उसकी आंखें बातें करती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। बस कर दो बस कर दो। आंखें बातें करती हैं, क्या कहती हैं उनकी आंखें? बहुत कुछ। पागल हो गई हो, आंखें बातें नहीं करती। उसकी आंखें बोलती हैं अस्मा, बातें करती हैं। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसकी आना उसे बोलने नहीं देती। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये क्या है? हाँ ये ऑफिस की फाइल है। ऑफिस की फाइल? मुझे लगा मेरी मुंह दिखाई का तोहफा है। मुंह दिखाई तो दुल्हन का असली चेहरा देखकर दी जाती है, और आपने तो अपना असली चेहरा इस मेकअप के पीछे छुपाया हुआ है। जब चेहरा दिखेगा तो मुंह दिखाई भी मिल जाएगी। आज तो मैंने आपके कहने पे सारे जेवर और ये लेंसेज उतार दिए, लेकिन आज के बाद नहीं उतारूंगी, क्योंकि मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। फिर ये तो सरासर खुद सरी हुई ना। मेरे घर वाले और मेरे खानदान वाले सब जानते हैं कि मुझे खुद सर औरतें पसंद नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने सुहेल जो आप मुझे बातें सुना रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सुना नहीं रहा, समझा रहा। क्या? आपने आज मापारा को नौकरों की सफ में खड़ा करके जो उसका दिल दुखाया है, उसकी तलाफी ऐसे करिएगा कि उसे ये भी पता ना चले कि आपने उससे माफी मांगी है और उसका दिल भी साफ हो जाए। ये सब आपसे मापारा ने कहा है? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी। हाँ लेकिन ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। मैं अंदर जरूर था लेकिन जिंदा था, सुन सकता था और समझ भी गया। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मुझे अपने लिए बीवी की नहीं बल्कि इस घर को बहू की चाहत थी, और मां पा रहा वो मॉम की बेटी जैसी है। अगर मां पारा दुखी तो हम सब दुखी हैं। और मैं, मेरा क्या सोहेल? और आपको मॉम ने बड़ी मोहब्बत से इस घर की बहू बल्कि बड़ी बहू मुंतखब किया है, और अगर आप अम्मी के इस इंतखाब को सही साबित कर दें तो आपके लिए सबकी जान भी हाजिर है, और दूसरी सूरत में आप मेरा सर झुका देंगी मॉम के सामने। मुझे यकीन है मेरी बीवी होने के नाते आप मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना?
हाजरा की कोई बहन नहीं है ना, इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपने तो खामखा अकेले इतना तकल्लुफ किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे। तकल्लुफ की कौन सी बात है, पहला नाश्ता दुल्हन का मैके से ही तो आता है, और वैसे भी इसे जल्दी सुबह उठने की आदत है और उठते ही इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं समझती? अरे हमने तो इसे सुबह ही सुबह नाश्ता करवा दिया। महापारा 6 बजे से लगी हुई थी सुबह भाभी के लिए नाश्ता बनवाने में। अच्छा वो सुहेल नहीं नजर आ रहा? अब सकीना, बल्कि मैं बुलाकर लाती हूँ सुहेल को, और जरा रायत को भी नाश्ता भिजवा दूँ, जॉगिंग से जब से आया बस कमरे में आकर बैठा हुआ है। अम्मी जी उन्हें मैं दे आती हूँ ना नाश्ता। चलो ठीक है, और बेटा रायत से कहो कि उसके लिए 2 दफा लैंडलाइन पर कोई कॉल आई हुई थी, और सुहेल को भी देखो जाकर उसे भेजो, बोलो कि खालदा भाभी आकर बैठी जी। अच्छा तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो, जाओ जाकर देखो सुहेल को किसी चीज की जरूरत ना हो, और उसको बताकर भी आ जाओ कि तुम मेरे साथ जा रही हो। हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी कितने अरमानों से तुम्हें लेने आई हैं। मॉम मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप चली जाए, सुहेल मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम ड्रॉप करवा देंगे बहू को। ठीक है बिल्कुल जैसे आपकी मर्जी। अम्मी कहाँ? वो खालदा आंटी आई हुई है ना भाभी को लेने, तो अम्मी जी उनके साथ बैठी। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप गेस्ट के साथ बिजी थी तो एटलीस्ट आप मुझे बता तो सकती थी ना, मैं वेट कर रहा था आपका। और ये दूसरों के हाथ ब्रेकफास्ट भिजवाने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ ठीक है ओके बाय। आप मुझसे नाराज हैं? ना। तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करे? क्यों बात करूं और क्या बात करूं, तो मेरी हो कौन? कोई नहीं हूं तो फिर आपने उस दिन क्यों कहा था कि मेरे साथ साथ रहो? वो बस उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा। अब आपको मुझसे बात करना भी बेहतर नहीं लग रहा, मेरा नाश्ता लाना भी बुरा लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, बात करने में और ब्रेकफास्ट लाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूं मुलाजमों की तरह ट्रे उठाकर लाने की क्या जरूरत थी, वो भी खालदा आंटी और भाभी के सामने। आपके लिए नाश्ता अम्मी जी लेकर आती है, मुलाजिम नहीं, और आज अम्मी जी की जगह मैं लेकर आई हूँ। और मॉम ये भी जानती हैं कि मैं अपने डाइट के बारे में बहुत सिलेक्टिव हूँ, इसीलिए मैंने हर चीज आपकी पसंद के मुताबिक ही बनाई है। देखो मैं ब्रेकफास्ट पसंद से नहीं, मैं आर के हिसाब से करता हूँ। अरे एक सेकंड, ये कहाँ लेकर जा रही हो? जो चीज आपके मयार पर पूरी ना उतरे वो आपके किस काम की, मैं इसे किसी फकीर को दे दूंगी। As you wish. मैं पारा कहाँ चली गई सुबह सुबह? मैंने सोचा कि मैं उससे खुद बात करके मना लूँ, लेकिन एनीवेज अब मैं उससे वापस आकर बात करूँगी। अच्छा तो आप अपने घर जा रही हो? अपने घर में तो मैं हूँ, मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आपने इस घर को अपना घर समझा। मुझे भी अच्छा लगता कि अगर आप मुझे इस घर का समझते। आप मेरी बीवी हैं, इस घर की इज्जत हैं, और इज्जतदार औरतें अपने वकार और मर्तबे का ख्याल रखती हैं। बीवी की इज्जत उसमें है कि उसका शौहर उसके साथ उसके मैके जाए। लेकिन आज नहीं जा सकूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रायद
छोड़ देगा आपको। अच्छा सुने, शाम में मुझे जरूर लेने आएगा, आपका इंतजार करूंगा। आऊंगा। खैरियत है? आज तुम अकेले नजर आ रहे हो। क्यों, क्या हो गया भाभी? मैं अकेला नजर नहीं आ सकता क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी मुंह चढ़ी मुलाजमा उर्फ बेटी जैसी हर वक्त तुम लोगों के सरों पर सवार रहती है। तो भाभी आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब डैड उसे अपनी बेटी कहते हैं तो फिर आप भी मान लें। शायद मोहब्बत और हमदर्दी में बहुत फर्क होता है। चलो मान लेते हैं कि पापा को तो उससे हमदर्दी है, मगर तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में इस घर की बहू की इज्जत ज्यादा है या फिर उस नौकर जात लड़की की? हे भाभी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने कर ही दिया है तो इसका जवाब भी आपको मुनासिब वक्त पर मिल ही जाएगा। So you have ये वाला सर देखो बेटा। ये वो मिसेस निजामी है ना, उन्होंने दिया है तोहफे में। अच्छा, वैसे तो लोग वलीमे में गिफ्ट देते हैं, लेकिन मिसेस निजामी बारात में देके चली गई। हाँ, असल में कल उनकी फ्लाइट थी, उन्हें वापस जाने, वलीमे में शिरकत नहीं कर सकेंगी ना। तुम्हें क्या हुआ है, खामोश क्यों बैठी हुई हो? ये चेक। डैड, आप भी क्या बच्चे के साथ खेलकर खुश हो रहे हैं? जरा हमारी चैंपियन के साथ खेलकर और जीत कर दिखाएं, फिर बात बनेगी। अरे बेटा, आज लकी डे है मेरा, मां पारा भी नहीं जीत सकती मुझसे। अच्छा, चैलेंज ले आओ मैदान में। देखें, आओ मां पारा, इनके लकी डे को बैड डे बना। आओ। अब देखें डैड क्या होता है। सुहेल ने ज्वेलरी के इशू पे कोई बात की तुमसे? बात की थी। अच्छा, क्या कहा उसने? उन्होंने मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। चलो, उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब उससे तुम माफी मंगवाने मत बैठ जाना। देखो, तुम्हारी शुरू की शादी है ना, अगर ऐसी वैसी कोई बात उसके दिल में बैठ गई ना तो सारी जिंदगी निकलेगी नहीं। बात तो बैठ गई है मॉम, अब दिल से निकले या ना निकले उसे घर से तो निकलना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रही हो तुम? मां पारा की। क्यों, अब क्या किया मां पारा ने? उसने जो किया सो किया, अब मेरी बारी है। क्या करती हो हाजरा, भी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, अपने शौहर के साथ वक्त गुजारो, उसे समझने की कोशिश करो, और तुम एक फजूल सी लड़की पे अपने वक्त को जाया कर रही हो। कल के तमाशे के बाद आप भी उसे फजूल लड़की कह रही हैं? सोहेल ने मां पारा से माफी मंगवाने के लिए कहा है ना? सोहेल ने मुझसे मां पारा से माफी मांगने के लिए कहा है। किस बात की? कहा ना, वो कोई फजूल लड़की नहीं है, बहुत शातिर है वो। देखो बेटा, ये बाजी हारी हुई है, अगर तुम चाहो तो नए सिरे से गेम शुरू कर सकती। मुझे बाजी पलटना आती है अब्बू जी। तुम्हारी क्वीन खतरे में है मां पारा, ये खेल यहीं खत्म कर दो। आप क्वीन की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वैसे जहां तक मुझे नजर आ रहा है, तुम्हारी क्वीन तो खुद किंग के चक्कर में कमजोर पड़ रही है।
आप जैसे चक्कर कह रहे ना, वो इसकी मोहब्बत है। ये ला। फिर तो मोहब्बत में क्वीन की मत ही मारी गई है। अब बचाकर दिखाओ अपने बादशाह को। मान लो तुम हार गई। मोहब्बत क्या कोई खेल है? कोई डेढ़ चाल चल के मलका से उसके बादशाह को छीन ले? तुम ये हर बार क्वीन को सामने क्यों लेकर आती हो? दूसरे मोहरे भी तो हैं। बादशाह के लिए दिल से सिर्फ मलका लड़ती है। और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सारे तो फर्ज निभाते हैं। सिर्फ मलका है जो मोहब्बत से लड़ती है। और जब तक क्वीन रहती है ना, गेम चलता रहता है। क्यों अब्बू जी? ओहो, बस कर दे बाप के चाले चलना। और तुम भी दुल्हन को लेने जाने के बजाय यहाँ कमेंट्री कर रहे हो बैठ के। उठो अम्मी, मैं तो तैयार हूँ। और क्या मैं अकेला जाऊंगा? आप लोग तैयार हो जाएं। और ये मापारा, ये नहीं चल रही साथ? हाँ हाँ, जाओ जाकर अपनी हुलिया दुरुस्त करो। हम इन दोनों को पार्लर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अम्मी सुने, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं अपने दोस्त के साथ स्काइप कॉल कर सकता हूँ प्लीज? तुम भी जाओगे? हाँ क्यों, मेरे जाने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, बस मैंने सोचा शायद तुम नहीं जाओगे। अरे ये क्या बात हुई, मैं तो डेफिनेटली अपनी भाभी को पिक करने जाऊंगा यार। चलो ठीक है, फिर तुम और सुहेल एक गाड़ी में जाओ, मैं रहमत के साथ और मापारा के साथ आ जाऊंगी, क्योंकि वापसी में फिर हाजरा के साथ जगह नहीं होगी ना, एक ही गाड़ी होगी। नहीं मॉम, बल्कि आप एक काम करें, आप भाई के साथ जाएं, मैं मापारा के साथ आ जाऊंगा, और फिर मैं दोनों को पार्लर भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? अरे वाह, मेरा बेटा तो वाकई बड़ा सुखड़ होकर आया है। नहीं अम्मी जी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे बाबा आई एम सॉरी ना यार, अब चलो मेरे साथ। क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं होना मॉम, आप जाएं, हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? हाँ चलो जल्दी करो, चलो 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 बेटे, कपड़े निकलवा लो। शाबाश, चलो। बेटा कुछ लो ना, राइड आ जाएगा, हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस कंडीशन की गाड़ियां नहीं रखते हम के खराब हो जाए। राइड की गाड़ी तो भी नहीं है। आ गया राइड, एक्चुअली रास्ते में महापारा को आइसक्रीम खिलाने रुक गया था। महापारा भी आई है? हाँ भाई, महापारा तुमसे बहुत प्यार करती है, कब से इंतजार कर रही थी और कितनी तैयारी की है तुम्हें लेने आने के लिए उसने। मुझे भी प्यार आसनी है। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अपना सामान समेट लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी इन्हें ढूंढ रही है ना? आपको पता है भाभी मुझे कह रही थी कि मैं कभी भी महापारा के बगैर आ ही नहीं सकते। क्यों भाभी? हाँ सही कह रहा हूँ ना? नहीं राइट, तुम इसके बगैर आ सकते हो, लेकिन महापारा तुम्हारे बगैर नहीं आ सकती। क्यों? ये कोई रूल है क्या? नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन नहीं, बेसिकली भाभी का कहने का मतलब ये है कि महापारा हमारे घर की एक बहुत अहम फर्द है ना, तो उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई उसके साथ हमेशा होना चाहिए, है ना भाभी? बेटा तुमने इतना इंतजार करवाया, कब से तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? अरे I'm so sorry आंटी, हमने जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली सारी गलती इन मोहतरमा की है, क्योंकि ये हर बात में ना अपनी जिद मनवाती है, और अगर इनकी बात नहीं मानो तो घर में शामत। अभी आते आते मुझे कहने लगी मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। तो बेटा वापसी पे खिला देते ना, तुम्हारी वजह से इतनी देर हो गई है, इसे पार्लर भी जाना है। लाडली है ना सबकी? हाँ लेकिन आंटी अब इतनी देर भी नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि इतना इंतजार तो किया ही जा सकता है। अब तुम सुना रहे हो? हाँ बिल्कुल, कोई शक? शक अब तो ज्यादा हो गया है। क्या मतलब, किस बात का शक? अरे मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, बस भाभी सिर्फ ये कंफर्म करने की कोशिश करी कि कहीं उनका दर्जा हमारे घर में महापारा से कम तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों का दर्जा बराबर का है। क्यों सोहेल भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? हाँ
बराबर है। हाजरा, ये क्या बात की तुमने भला? तुम्हारी अपनी जगह है, महापारा की अपनी जगह है, तुम दोनों का कोई कंपटीशन थोड़ी है। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आएंगी? हाँ हाँ, श्योर। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, आओ ना, बैठो, प्लीज प्लीज प्लीज, टेक अ सीट, टेक अ सीट, आओ ना। बेटा, ऐसी बात कभी भी दिल में मत लाना। बेटा, तुम्हारा अपना मकाम है। महापारा से मुझे मोहब्बत जरूर है, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो, समझी? ये हुई ना बात। चलो अब अपना सामान उठा लो, तैयार हो जाओ। राय तुम्हें और महापारा को सैलून छोड़ देगा। सॉरी मम्मी, मैं महापारा के साथ एक पल में तैयार नहीं होंगी। क्यों बेटा, एक जगह से तैयार होगे तो वक्त भी बचेगा। दरअसल मुझे लगता है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उसने आज यहाँ आने में भी देर कर दी, जबकि वो जानती थी कि हमें पार्लर जाना है। अरे नहीं बेटा, वो तो उसका लावबालीपन है, छोटे बच्चों जैसा दिमाग है उसका। मैं बचपन से जानती हूँ उसे, बगैर सोचे समझे ऐसी हरकतें करती है। लेकिन जो भी कहें, अब वो बच्ची नहीं है। मुझे लगता है कि वो मुझे उस घर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हाजरा, कैसी बातें कर रही हो? बेटा, तुम उस घर की बहू हो, महापारा तो सिर्फ बेटी जैसी है। जानती हूँ, वो उस घर की बेटी जैसी है, इसीलिए मैंने कल उसको 25,000 रुपये दिए कि वो नौकरों में बांट दे। ऐसा मैंने उसका मान बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसने क्या किया? उल्टा मेरी सुहेल से शिकायत लगा दी। और सुहेल ने क्या क्या किया? सुहेल ने, मैंने कहा ना, महापारा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए उसने कल भरी महफिल में मेरा तमाशा बनवा दिया। और रात को? नहीं बेटा, नेकलेस तो सुहेल ने अपनी पसंद से चेंज किया था। अगर ऐसी बात है तो नेकलेस आपके या सुहेल के पास होना चाहिए था, ना कि महापारा के पर्स में। मम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं तो बस। नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, और तुम भी ये बात बस यहीं ख़त्म कर दो, भूल जाओ। मैं संभाल लूँगी सब कुछ। भाभी, अम्मी जी, सुहेल भैया पूछ रहे कितना टाइम लगेगा। बेटा, तुम सुहेल को भेजो, हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ भाभी आपको? कुछ नहीं हुआ, तुम रायत के साथ घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ तुमसे। और पार्लर, हमें तो भाभी को दुल्हन बनवाने के लिए लेके जाना है ना? हाँ जाना था, लेकिन बताया ना कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सैलून का टाइम आगे करवा लिया। तुम जाओ, जाके सुहेल को भेजो। आप घर जा रही हैं? महापारा, सुहेल को भेजो जाकर। जाओ, शाबाश। जी। तुम अपना सामान निकाल लो, तुम्हें मैं अकेले ही सैलून भिजवा दूंगी। पारा, तुम पार्लर नहीं गई, तुम्हें तो भाभी के साथ पार्लर जाना था। वो भाभी की ना अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
लेकिन भाभी तो पार्लर गई है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मुझे बेगम साहिबा ने बताया। वो आ गई? हाँ आ गई है, अंदर कमरे में है और किसी से मिलने से मना किया। वो मसरूफ है, वो किसी से नहीं मिलना चाहती, तुमसे भी नहीं। महापारा रायत, क्या हो गया था आज तुम्हें? इतनी छोटी सी बात को दिल में रखकर तुमने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। देखिए अम्मी, महापारा को रसम से रोकना आपके लिए कोई छोटी बात होगी, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के अगेंस्ट हर हुई भी बात बड़ी लगती है। अच्छा, इसीलिए तुम हाजरा और महापारा को कंपेयर कर रहे थे? हाँ, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि महापारा की क्या हैसियत है इस घर में, और वो हैसियत किसी और ने नहीं बल्कि आपने और डैड ने दी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आज तुम्हें महापारा को मनाने की इतनी जल्दी पड़ गई कि तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए हो। तुम खालदा के घर देर से पहुंचना चाहते थे, हाजरा को तंग करना चाहते थे। देखिए अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मैं महापारा को बुरे बिहेवियर से बचाना चाहता हूँ, इनफैक्ट उसे दूर रखना चाहता हूँ, तभी तो साथ साथ रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी जैसी को कोई इंसल्ट करे। और इसीलिए तुमने हाजरा को यानी मेरी बहू को वेट करवाया? हाँ, तो आपकी बहू के आसमान से उतरी जो थोड़े बहुत वेट भी नहीं कर सकती थी। वेट तो वो कर ही चुकी थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से महापारा के लिए उसके दिल में बाल पड़ गया है। पहले ही वो अपसेट है, नेकलेस वाली बात की वजह से उसका मूड अपसेट था, शिकायत कर रही थी मुझसे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उसका मूड बेहतर कराने के लिए आपने हमसे झूठ बोला और घर भिजवा दिया। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी, और वैसे भी उसके दिल में गिरा तो पड़ी चुकी है, ना जाने कब साफ होगी। अम्मी, दिल साफ करने की क्या जरूरत है? असल मसला तो दिमाग का है ना, तो एक ही बार दिमाग दुरुस्त कर दे। राय, अपनी बड़ी भाभी के बारे में बात कर रहे हो? नहीं अम्मी, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारा हाजरा से कोई डायरेक्ट झगड़ा हुआ है क्या? देखे, अगर कोई भी मेरी बात को रद्द करेगा ना, तो मैं उसे झगड़ा नहीं करूंगा, दुश्मनी करूंगा। तो बहू ने तुम्हारी ऐसी कौन सी बात रद्द कर दी जिसकी वजह से महापारा को तुमने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? ओह कम ऑन मॉम, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए सर्वेंट्स को इस्तेमाल करना पड़े। ये मेरे बाप का घर है, कोई आए तो सही मेरे सामने। होश में हो? ये तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कि तुम अपनी बड़ी भाभी के बारे में इस लहजे में बात करो? और ये महापारा को सर्वेंट क्यों कहा तुमने? You know what, mom, sorry to say so, अगर मैं आपकी तरबियत पे चलता रहा ना, तो आप ही की तरह हो जाऊंगा। क्या कहना चाहते हो तुम? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने महापारा को सर्वेंट कहा, तो आपको फौरन अपना रिश्ता उसके साथ याद आ गया। लेकिन जब आपकी बहू उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करना चाह रही है, तो फिर आप खामोश हैं। क्यों? क्योंकि आप भी एग्जैक्टली वैसे ही सोचती हैं। बट आई एम सॉरी, मुझसे ये हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। तो मुझे हिपोक्रेट कह रहे हो? महापारा में मैं नहीं जानता कि आप महापारा को क्या समझती हैं या फिर आप दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन अगर महापारा की जगह फरी होती ना, तो आप कभी उसे झूठ नहीं बोलती और कभी घर नहीं भेजती। लेकिन मैं जो हूं सो हूं। मैं अपने पैरों में जो जूते पहनता हूं ना मॉम, उसकी उतनी ही कीमत अदा करता हूं जितना लोग अपने सर पर पहनने वाली ताज की करते होंगे। मैं फखर से अपने पैरों को ऊन करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग अपना सर उठाकर चलते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि महापारा की क्या हैसियत है इस घर में, और वो हैसियत किसी और ने नहीं बल्कि आपने और डैड ने दी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आज तुम्हें महापारा को मनाने की इतनी जल्दी पड़ गई कि तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए हो। अच्छा, तो सारी माफी झूठ थी, मैं भी छोड़ूंगी नहीं। तुमको तो पार्लर जाना था, तैयार होने गई नहीं? मैं बॉलर से तैयार होके क्या करूंगी? ये भी सही कहा तुम, जरा सा मुंह धो लो, काजल लगा लो, तो कैसा चमक उठता है चेहरा। ये चमक सबको क्यों नहीं दिखती दादी? तुम्हारी दादी को तो दिखती है ना, आईना देखो कैसा चमक रहा है चेहरा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है,
और सुनो, छोटी बेगम से कहना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं है। और हाँ, रहमत कब से फोन कर रहा है, फोन तो उठा लो, तुम उठाती नहीं हो फोन। तैयार हो जाओ जल्दी। गुस्से का तो वो शुरू से तेज है, लेकिन हाजरा से कब अटक गया? और सुहेल, उसने क्यों हाजरा से कहा कि महापारा से माफी मांगे? हाजरा जो कुछ महापारा के बारे में कह रही थी वो सच तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महापारा ने रायत के कहने पर सुहेल से कुछ कह दिया? अगर ऐसा है तो ये महापारा के लिए गलत होगा। नहीं, मैं महापारा को किसी खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। अम्मी जी, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अम्मी जी, भाभी पार्लर से आ गई? हाँ आ गई। वो मुझे तो पार्लर लेके नहीं गई, मैंने भी तो उनके साथ जाना था ना। महापारा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी बोले। देखो रायत थोड़ा गुस्से का तेज है, जज्बाती है और कभी कभी गुस्से में बहुत उल्टा सीधा भी बोल जाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। क्या मतलब? मतलब भाभी इस घर की इज्जत है, इस घर की बड़ी बहू है, है ना? जी जी बिल्कुल है। तो सास के बाद घर की बड़ी बहू जो है वो घर की सरबरा होती है ना? बिल्कुल होती है। तो अगर घर का सरबरा छोटों को कुछ दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या उससे शिकायत करनी चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए अम्मी जी। है ना, तो बस आइंदा ख्याल रखना, मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से भाभी के लिए कोई बुरी बात ना सुनूं। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रही हैं अम्मी जी, मैंने क्या किया है? तुमने क्या करना है? लेकिन देखो, सुहेल से कोई उसकी बीवी के बारे में बात करेगा तो उसे बुरा लगेगा ना। लेकिन अम्मी जी, सुहेल भाई से भाभी के बारे में कोई बात क्यों करेगा? तुमने की ना बेटा, बेशक तुमने नेकलेस वाली बात सुहेल से अच्छे दिल से की थी और उसने तुम्हारी बात का मान भी रखा, लेकिन सुहेल को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात आपको सुहेल भैया ने कही है? और कौन कहेगा? देखो, कल भाभी ने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, तुमने उनका शुक्रिया अदा किया? जी। देखो, तुम भाभी की मोहब्बत की कदर करोगी तो भाभी खुश होंगी, और भाभी खुश होंगी तो सुहेल को अच्छा लगेगा। आखिर वो दोनों अलग थोड़ी हैं। और हाँ, तुम भाभी का शुक्रिया सुहेल के सामने अदा करना ताकि सुहेल को अच्छा लगे। जी अम्मी जी, मैं आती हूँ अभी। हेलो, बाहर जा रही हो? नहीं, अंदर आ रही हूँ। अच्छी लग रही? और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, हटे यहाँ से। ऐसे क्या? क्या बात है, इतनी सोगवार सूरत बना के यहाँ क्यों छुपी बैठी हो? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है।
लो अब सुहेल भाई तुम्हें बुला रहे हैं, अब वहां जाके तुम बैठ जाओगी। तुम कल कॉलेज जाओगी? हाँ, क्यों? वो हम साथ चलेंगे ना। मॉम, ये इतनी दूर जाके क्यों बैठी है? क्या हुआ ऐसे? बेटा जो तुम्हारे बराबर में बैठी है ना, बेहतर है कि उस पर तवज्जो। वैसे मॉम, इनके आते ही आप तो सच में इनकी हो गई, एक ही दिन में बदल गई। लेकिन तुम मत बदल जाना, बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे मैंने तुम्हारी तरबियत की है। मॉम हुआ क्या है? मैं इसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाई, और मैं इसके चेहरे पर जरा सा भी दुख या उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम आर यू सीरियस? इतने मेकअप में मुझे भाभी का असल चेहरा नहीं दिखता और आपको उदासी भी दिख गई। चुप बदतमीज, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बहू, लोगों की नजर ही नहीं ठहर रही। तो जाकर इनका मुंह धुलवा देना, नजर भी नहीं लगेगी। मैं कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहू पर लगने वाली सारी नजरें उतार दूंगी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, एक सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खुश हैं? आई एम सॉरी, लेकिन खाने पे सबसे पहले मेहमानों का हक होता है। क्यों? मेरी तरफ से तो हर चीज पर आपका ही हक है। अच्छा, दिल से कह रही हो? मैं हर बात दिल से ही कहती हूँ, लोगों की तरह प्लानिंग्स नहीं करती। क्या क्या मतलब है? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। क्योंकि मैं दूसरों की तरह किसी खास मतलब से बात नहीं करती। पॉइंट टू बी नोटेड। आई विल जॉइन यू गाइस लेटर। Okay. अगर आपका खाना लेने का मूड नहीं है तो मैं खाना निकालूं? हाँ हाँ, ले लो खाना। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि मुलाजिम इवेंट खत्म होने के बाद ही खाते हैं, लेकिन तुम्हें अगर बहुत जल्दी है तो खाओ, लो। खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो अम्मी जी भूख नहीं है। बहुत बुरी बात है, भाभी के पास आओ, हम सब वहीं खाना खा रहे हैं, चलो आ जाओ। वो नहीं अम्मी, अम्मी जी वो मेरी दोस्त अस्मा आई हुई है ना, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी, वो बुरा मान जाएगी। चलो खा लेना। जी वैसे एक बात बताओ, वलीमा तो लॉन में होना था ना, फिर घर में क्यों? रायत को लगता है कि घर में होने वाली तकरीब यादगार रहती है, इसलिए। ये रायत भाई है ना, तुम्हें किसे दिखा रहे? पता नहीं कौन है। मापारा, मैंने जो बात की थी उसके लिए आई एम सॉरी। खाओ। जब सॉरी कहना था तो कहा क्यों आपने?
वो एक्चुअली राइद को मेरे साथ कुछ प्राइवेसी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने कह दिया था। क्यों, वो आपको भी किसी से दूर रखना चाहते हैं? क्या मतलब? जब उन्हें किसी को किसी से दूर करना होता है तो वो अपने करीब कर लेते हैं, ये उनकी आदत है ना। क्या मतलब? मैं अभी भी तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। आई मीन एनीवेज, तुम यहाँ अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हो क्या? मेरा मंगेतर? हाँ हाँ, तुम्हारा मंगेतर। राज ने मुझे बताया था तुम्हारे फ्रांसी के बारे में। राज ने? एक्सक्यूज मी, क्या हरकत है? आप बताइए क्या हरकत थी? कौन सी? आपने माहिन से क्या कहा है? माहिन से जो कुछ भी कहा वो तुमने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो ये मैंने कहा था कि अगर मैं किसी को किसी और से दूर करना चाहता हूँ तो उसको अपने करीब कर लेता हूँ। हाँ तो नहीं करते क्या? हाँ करता हूँ यार, अब मैं सुकून से खाना ले सकता हूँ, और भी कुछ कहना बाकी है। आपने माहिन से ये क्यों कहा कि मैं अपने मंगेतर का वेट कर रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसने ये क्यों कहा कि आपने कहा है कि मेरी मंगनी हो चुकी है? देखो, उस वक्त मुझे यही ठीक लगा, ओके? आपको ठीक लगा या ये भी आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? या मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन होता है, और अगर ये रीजन तुम्हारे दिमाग तक ना पहुंच पाए तो नेक्स्ट टाइम मुझसे तमीज से पूछ लेना, इस तरह की बदतमीजी नहीं करना। तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये क्या खुशी से बताने वाली बात है जो मैं अनाउंस करती फिरूं? इतने सालों से तुम उसे दुआओं में मांग रही हो, आज जब उसे तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो कह रही हो अनाउंस करने वाली बात नहीं है। तुम इसे स्टैंड लेना कहती हो? अरे, एक तो उन्होंने तुम्हें बचा लिया, ऊपर से तुम गुस्सा कर रही हो, कितनी नाशुक्री हो तुम। क्या मतलब किससे बचा लिया? वो जो आंटी तुम्हें देख रही थी वो तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर रही थी। तुम्हारे एंग्री यंग मैन ने आके कहा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। लेकिन मेरी तो मंगनी नहीं हुई ना महापौरा, यही तो समझने वाली बात है ना। उन्होंने अपना रास्ता क्लियर किया है, अब तुम्हारी मंगनी का सुन के ना तो कोई प्रपोजल आएगा ना ही कोई टेंशन होगी। मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये इस सेट में पसंद नहीं है, इन्हें भी छोड़ दूं? अरे, ये सब क्यों उतार दिया? अच्छी लग रही थी, अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं। जब आपको ये सब पसंद ही नहीं तो देखने का क्या फायदा? तुम्हें तो पसंद है ना, पहनी रहती अच्छी लग रही थी। मुझे तो कल भी पसंद था सोहेल, लेकिन लेकिन जो कल हो गया वो जाने दो, कल की बात खत्म। कल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, आई एम सॉरी, कल के लिए। अच्छी लग रही थी तुम। आपको मेरी फीलिंग्स की परवाह है? अगर तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह ना होती तो ये नेकलेस तुम्हें पहनने की इजाजत ना होती। क्या मतलब?
कुछ नहीं, ये मतलब छोड़ो, पहनी रहती तो अच्छी लगती। जब वो नेकलेस आपको पसंद ही नहीं है तो मैं उसमें अच्छी कैसे रख सकती हूँ? राजा, तुम मुझे इस नेकलेस और मेकअप में नहीं बल्कि खुश अच्छी लगती जी। हाँ, ये नेकलेस और मेकअप की वजह से अगर तुम खुश हो तो पहन लो इसे। बल्कि एक काम करेंगे, कल चलकर तुम्हें दूसरे लेंसेस भी दिलवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं? सब जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मेरी बातों पे इतना मत सोचा करो। आप बहुत अच्छे हैं सुहेल। अच्छे को तो नहीं पता, लेकिन जैसा हूं तुम्हारा हूं। बेचारी ने खाना भी नहीं खाया, मेरी वजह से अपसेट होगी, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। मापारा। अंदर चलो, अब खुले आसमान के नीचे बैठकर खाओगी क्या? असर हो जाएगा। तो हो जाए ना, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यही तो कह रही हूँ कि मुझ पर तो जिनों का असर भी नहीं होता। हाय, काश को जिन ही पीछे पड़ जाए। क्या बकवास कर रही हो, बहक गई हो क्या? अब जिन ही रह गए तुम्हारे पीछे लगने को। मैं पीछे क्यों लगाऊंगी भला, मैं तो साथ साथ चलना चाहती हूँ, वो एक बार कदम तो बढ़ाए। अच्छा रहने दो, बस सीधी बैठो और बाल बांधो, ना रोजे की ना नमाज की, बस फैशन करवा लो, सज धज के सहन में बैठ जाएंगी। अगर कोई जिन भूत गले पड़ गया ना तो रोती फिरोगी। उफ। अच्छा चुप करो, हजार बार समझाया है कि कुंवारी लड़कियों को एहतियात करना चाहिए। अच्छा दादी एक बात तो बताएं। क्या? अगर किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आए और लड़की वालों से कोई झूठ बोल दे कि लड़की की मंगनी हो गई है तो उसका क्या मतलब होता है? जलन होगी और क्या होगा, वो चाहते होंगे कि इस लड़की की जगह उनकी लड़की की शादी हो जाए। कौन चाहते होंगे? अरे लड़की के रिश्तेदार जिन्होंने झूठ बोला होगा। रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, दूसरे की लड़की का मामला लटकाकर अपनी लड़की को पेश कर देते हैं। और अगर रिश्तेदार की जगह ये झूठ कोई लड़का बोले तो होगा कोई लड़का लड़की के आपस का मामला। कैसा मामला? दफा करो, तुम क्यों पूछ रही हो? चलो अंदर चलो। ऐसे पूछ रही हूँ, बताए ना। अरे भाई ऐसे मामले शरीफ घराने की लड़कियों के नहीं होते। और खबरदार जो तुमने ऐसी लड़कियों से मेल मिलाप बढ़ाया, दूर रहा करो ऐसी लड़कियों से। क्यों, मैं क्यों दूर रहूं? क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास है ही क्या, एक इज्जत और नेक नामी तो रह गई है, और ऐसे मामले में साथ देने वाले अलग और राजदार अलग जलील होते हैं। ये जो इश्क माशूकी होती है इसमें इज्जत दांव पे लग जाती है, समझी कुछ बात? हाँ तो लगने दे, इज्जत का कौन सा कत्ल हो जाता है, कम से कम मोहब्बत तो मिल जाती है ना। हजार दफा समझाया है महापारा कि इस कच्ची उम्र में ऐसी बेबाकी की बातें मत किया करो, इतनी कम उम्र लड़कियों को जेब नहीं देती हैं ये बातें। कच्ची उम्र की लड़कियों को जेब नहीं देती तो क्या दो बच्चों की अम्माओं को देती हैं? खबरदार महापारा, एक भी उल्टी बात मत करना, ये सब तुम्हारी फिल्में देखने का नतीजा है, हर वक्त डायलॉग बोलती रहती हो। मैं कहां बोलती हूं कुछ दादी, तो मोहब्बत बोलती है। किस कदर बेशरम हो गई हो, कैसे मुंह फाड़ के मोहब्बत मोहब्बत की बातें कर रही हो। अच्छा चलो खाना खाओ खामोशी से। मुझे ये बिरयानी नहीं खानी, मैं अंदर जाके कस्टर्ड खा लूंगी। कस्टर्ड? किस कदर बदतमीज लड़की है यार, मतलब सबका फंक्शन रुइन करके खुद कस्टर्ड खा रही होगी।
सकीना इतनी देर हो गई है, जल्दी करो ना। बस बाजी रेडी हो गई। हो गया, चलो आ जाओ। बहू उठ गई है, इंतजार कर रही होगी। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आज तो ट्राली बहुत सज रही। बहू के लिए नाश्ता बनवाया, वहीं लेकर जा रही हूँ, आप भी आ जाएं, मिलकर नाश्ता करते हैं। भाई इतनी सुबह, वो तो सो रही होगी। जाग गई है, मेरी बहू देर तक नहीं सोती। आ जाए ना, मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ मैं तो यहीं रहने दो। वैसे मेरा एक मशवरा है शैला, नाश्ता बहू को देकर वापस आ जाना, हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी बहू को अच्छी ना लगे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू बहुत खुश अखलाक और मिलनसार है। सारे जहान की खूबियां आप में हैं या आपकी बहू में? वाह क्या हो रहा है बेटा, बहू के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, ये देखो। नाइस। तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाने। अरे आ जाओ, तुमसे बात करनी है, चल। तुम्हारे ससुर को तो तुम्हारी नींद की इतनी फिक्र हो रही थी, कह रहे थे कि इतनी जल्दी नाश्ता लेकर जा रही हो, बहू तो सो रही होगी, उसकी नींद खराब होगी। लेकिन मुझे पता था कि तुम जाग रही होगी, अभी नई नई आई हो ना इस घर में, तो बाहर आते हुए झिझक महसूस हो रही होगी, है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाश्ता ऊपर ले आती हूँ और फिर तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूँगी नीचे, ठीक है? मम्मी जी आपने बिला वजह ज़हमत की, महापारा कहाँ है? महापारा सो रही होगी, उसकी भी नींद बहुत पक्की है। मुझे लगता है कि उसने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, शायद इसीलिए वो नहीं आई। अरे नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बस वो थोड़ी सी लावबाली है, दिल की बहुत साफ है वो। अगर आपकी बात ठीक है तो वो कल मुझसे मिलने स्टेज पर क्यों नहीं आई? सकीना, सकीना महापारा को भेजो। अब देखना आंखें मलती हुई आएगी और भाभी भाभी करते हुए जबान नहीं थकेगी उसकी। जबान तो उसकी वाकई नहीं थकती। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सिर्फ जबान से भाभी कह देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। ये सुहेल एक घंटे से शावर ले रहे, नाश्ता ठंडा हो गया सारा, बुलाओ ना उसे जरा। सुहेल मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना, ये मत दोहराना कि तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था। डैड आपके सवाल का इससे ज्यादा सीधा जवाब नहीं दे सकता मैं, और आप मुझे खुद बता दें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं सच सुनना चाहता हूँ, कल तुम्हारा महापारा से झगड़ा क्यों हुआ था? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो क्या वो पागल है, डिस्टर्ब होकर उसने सबके सामने तमाशा बनाया? बस भी कर देना डैड, उसने अब तक कोई तमाशा नहीं लगाया और कोई डिस्टर्ब होकर मजे से कस्टर्ड खाता है। कस्टर्ड? कब देखा तुमने? किसने बताया कि उसने कस्टर्ड खाई है? हमारे सामने वो भूखी गई है। सकीना कॉफी ला दो यार। जी अभी लाके देती हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे बताओ किसने देखा? अरे वहाँ कहाँ जा रही हो, कॉफी ला दो ना। मैं मापारा को लेने के लिए जा रही हूँ, उसे बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है। यानी मेरी कॉफी से ज्यादा अहम उसे बुलाना है? ये देख रहे हैं आप, ये मेरी हैसियत है इस घर में। मैं देख रहा हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं जाऊँ मापारा बीबी को बुलाने के लिए? जब तक वो आएगी नहीं कोई नाश्ता भी नहीं करेगा, और भाभी ने भी कहा है। भाभी ने? जी